देखो बिहार बोर्ड के लड़कुआ को बिगड़ने में एगो बहुत बड़का योगदान है एगो बहुत बड़का स्वर्व समझ में आया बात वो क्या होता है कि गाँव जहाँ से आया है पढ़ने बाहर चला आएगा अब बाहर जाएगा पढ़ने के लिए तो उस क्लास ट्यूशन कोचिंग स्कूल में जहाँ भी जाएगा पढ़ने के लिए वहाँ जाएगा अब वहाँ लड़कियाँ साथ में बैठ के पढ़ रही है अब गाँव का लड़का है समझा नहीं है बात को अब क्या होगा कि किसी लड़की का मान लो अचानक कॉलम खत्म हो जाता है सियाही खत्म हो जाता है अब वो अपने आस देखेगी कौन बैठा हुआ है और देखेगी कि बुरबकुआ की तरह तो दिख रहा सीधा है वो उसको कहेगा कि ए, थोड़ा कलम है क्या आपके पास अब तो वो तो तो गील हो जाएगा और कॉलम नहीं हो रहेगा तो वो अपना ससुराल अपना जो लिख रहा है वह दे देगा अपने भले नहीं लिखेगा कॉलम दे देगा अब देखो उसके बाद लड़कुआ क्या सोचेगा कि है इतना लड़कुआ में हम से कहे कलम मांगी जरूर कुछ ना कुछ बात है अब देखो कल से वैष्णो पाउडर क्रीम लगा कर वो जाने लगेगा उसको लगेगा कि हमसे प्यार करती करते रे बुरबकुआ वो तो जानिए नहीं रही है उसको क्या पता है इंसिडेंट है उसने तुमसे सिर्फ कॉलम मांग दी है आई इसी चक्कर में अब लइकुआ निकलेगा उसके मन में मतलब तो खुदगुदी हो रहा है जाएगा बाह अपने दोस्तों से मिलेगा कहेगा दिया देख ला ये जो है है ना हमसे कॉलम मांगी है अब वो कहेगा कहो रे हैतना में तुम्ही से कहा कौन मांगी है अभी और ही बेचैन हो जाएगा झूठ मुड़ के अरे बुरबकबा ऐसा थोड़ी है तुमको ऐसा कुछ नहीं है वो तो जनबे नहीं कर रही है तो तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान आया है तो पढ़ाई पर ध्यान दो कोई कॉलम मांग दे तो वो इंसिडेंट है दूसरा कुछ नहीं